भाजपा शासनकाल में कांग्रेस नेता रामनिवास रावत के खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई विजयपुर में उनके क्रशर पर की गई, जहां खनिज विभाग की टीम के साथ राजस्व विभाग की टीम व पुलिस हमले को लेकर रामनिवास रावत के क्रेशर पर पहुंचे, जहां क्रेशर को अवैध बताकर कार्रवाई करते हुए उसे सील किया गया। वहीं रामनिवास रावत ने कहा कि राजनीतिक विदेश बस यह कार्रवाई की गई है, राजनीति में इस अच्छी परंपरा नहीं है। आवाज दबाने के लिए कार्रवाई की गई है, जिस प्रकार की कार्रवाई की गई है घोर निंदनीय है। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की खास रिपोर्ट। अंशुमन रावत के नाम पे स्वीकृत है, उनके द्वारा एक प्रेशर लगाया गया है, ग्राम द्वारा में है ना, इसकी जांच चल रही है। सर ये प्रेशर राजी क्यों स्वीकृत सर, इस प्रकार की कार्रवाई ठीक है, जैसे स्वीकृत है सबसे चल रहा है। लेकिन सर क्या कारण क्या हो सकते हैं सर? कारण कुछ नहीं है, तो जाँच कर सकते हैं हम कभी भी। सर बिना नोटिस के कैसे कार्रवाई होता है? दोनों होता है, कभी नोटिस देकर भी होता है, कभी आकस्मिक जांच भी होता है। सील करना चल रही है, कार्रवाई चल रही है, इससे हुआ है अभी पूरा, अभी कलाकान की भी जांच करेंगे, जो भी निर्माण पर कार्रवाई बनेगा वो करते हैं। जो क्रेशर था वो मेरा नहीं था, मेरे छोटे भाई का क्रेशर था, राजनीतिक विद्वेष वश ये कार्रवाई की गई है। चूँकि जिला पंचायत हमारी बन रही है, जनपद पंचायत हमारी बन रही है, नगर पंचायत विजयपुर भी हम बनाएंगे, इन सब को लेकर बीजेपी के लोग बौखला रहे हैं, सरकार बौखला रही है, और राजनीतिक विद्वेष के कारण ये सब किया गया है। ये घोर निंदनीय है, राजनीति में अच्छी परंपरा नहीं है। चुनाव लड़ना चाहिए, लोगों का विश्वास जीतना चाहिए, लोगों का विश्वास जीतने के बाद चुनाव जीतना चाहिए। इस तरह की द्वेषपूर्ण कार्रवाई करके, वैसे ये कोई नई आश्चर्य की बात नहीं है, पूरे देश में जिस तरह से मोदी जी ने कहीं ईडी का प्रयोग किया है, हमारी नेता सोनिया गांधी जी पर ईडी का दबाव बनाया जा रहा है, आदरणीय हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर दबाव बनाया गया है, जिस तरह से दुर्भावनापूर्वक द्वेषपूर्वक कार्रवाई करके और लोकतंत्र में प्रजातंत्र को कुचलने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र में जनता की आवाज़ दबाने के लिए, नेताओं की आवाज़ दबाने के लिए जो गलत काम कर रहे हैं उनको जनता के हित में उठाने पर व्यक्तियों की आवाज़ दबाने के लिए ये प्रजातंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं। और मेरे विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, मेरे छोटे भाई के प्रेशर के विरुद्ध जो आज कार्रवाई की गई है दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे खिलाफ तो पहले ही कार्रवाई कर चुके हैं, मेरे विरुद्ध मेरे बेटे का पेट्रोल पंप की परमिशन निरस्त बहुत पहले करा चुके हैं, लीज बहुत पहले निरस्त करा चुके हैं हाईकोर्ट से स्टे पर हम, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई की गई है इसकी मैं उम्मीद नहीं करता था, ये घोर निंदनीय है। मैंने छोटे भाई के क्रेशर को बंद करने से पूर्व ना तो इन्होंने कोई नोटिस दिया है, ना किसी भी तरह की सूचना दी है, ना ही किसी भी तरह की अनियमितता है, ना ही किसी भी तरह की चोरी कर रहे हैं, लेकिन जानबूझ करके ये किया गया है। मैंने अभी हाल ही में इस विषय में नहीं, मैं कलेक्टर से दूसरे विषय में बात करना चाहता था, जिस तरह से चक पारोंद में उल्टी दस्त हुए थे आदिवासी बच्चों को, उसी तरह से आज अभी हाल ही में सेवापुरा में भी उल्टी दस्त से लोग पीड़ित हैं, वहाँ भी लोगों को खतरा हो सकता है। इसके लिए मैंने कलेक्टर को फ़ोन लगाया, पहले इंगेज जा रहा था, बिजी जा रहा था, उसके बाद कलेक्टर का नंबर बंद आ रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी स्थितियों की जानकारी भी नहीं लेना चाहता। सुमन रावत नाम से क्वेश्चन था और ये सूचना मिली थी कि नियमों के विपरीत काम किया जा रहा है, साथ ही राजस्व टीम से उनका जाँच करवाई गई, आधे घंटा अधिक क्षेत्र में चल रहा था और उसकी जो कार्रवाई उस मौके पर कार्रवाई की गई है भी सील करने की, माइनिंग डिपार्टमेंट वाले आ रहे हैं, माइनिंग डिपार्टमेंट वाले आके उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे, जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी सब आपको अवगत कराएंगे।